आज माशाल्लाह से जुम्मा है, जुम्मे के कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। आमिर के मैंने कर दिए हैं, अब्बू के भी कर दिए हैं, आयश के भी हो रहे हैं। अब्बू के कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, ये बहुत से कपड़े मैंने भिगोए हैं, बल्कि धुल गए हैं। मैं छोड़ देती हूँ तो फिर ये डाला ऊपर, आप लोग ना कपड़ों को ऊपर डाल दो, यहाँ पे टंगा देती हूँ टैब पे। ये सारे मैंने ये दुपट्टे वगैरह भी भिगो दिए हैं, इधर हैं पैंट में आने आगे, शाम में निकालूंगी कपड़ों को भिगे देंगे सरफ में। कपड़े मैंने अभी यहीं डाल दिए, नमाज पढ़ने तो फिर जाके ऊपर डाल आते हैं कपड़े, क्योंकि हाथ से धुले हैं तो ज़्यादा गीले होते हैं, तो इसलिए ऊपर जाके डाल के। धूप में तेज़ धूप निकली हुई है, उसमें सूख जाएंगे ये कपड़े। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। दुआएं हैं आप सबकी, तो मेरी तरफ से सबको जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से आज जुम्मा है, मैं अभी ना के निकली हूँ और जुम्मा पढ़ने लगी हूँ। पहले पढ़ते हैं जुम्मा। ये शर्टें जो हैं ये सारी आयश की धुली हैं, तो मैंने खुद हाथ से धोई हैं, और ये भी मैंने सुबह से भी धोई थी और फिर हाथ से ही धो ली थी मैंने शर्ट्स। इनको उतारने के लिए आई हूँ, इनको उतारती हूँ, जो दूसरे हाथ से कपड़े धोए हैं उनको फिर डालती हूँ यहाँ पे। ये सारे मैंने कपड़े यहाँ पे डाल दिए हैं, क्योंकि हाथ के धुले हुए हैं तो ज़रा टाइम लेंगे, इसलिए मैंने धूप में डाला है, कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। और भी मैंने बहुत से नीचे कपड़े जो हैं वो भिगोए हुए हैं सर्फ में, तो वो शाम में पानी आएगा तो मैं जो है वो कपड़े भी निकाल लूँगी उसमें से। आयश के कपड़े जो शर्ट्स हैं वो धुल गई हैं, मैं नीचे लेके जा रही हूँ। जुमे की नमाज़ तो मैंने पढ़ ली थी माशाल्लाह से, तो फिर जुमे की नमाज़ पढ़ के तो मैंने हल्का सा ये डार्क ब्राउन का कलर लगाया, ऐसे फ्रंट पे ये जो होती है हेडलाइन होती है, हेडलाइन पे लगाया है मैंने, वो एक कान पे भी लगा हुआ है मैंने, जाके साफ करती हूँ नीचे, इसलिए मैंने जो थी वो शर्ट भी इसीलिए ही मैंने बदल ली थी, मैंने कहा शर्ट पे मेरा कलर ना लग जाए। चले चलते हैं नीचे बेटे के कपड़े लेके। 2 हफ्तों से मैंने फ्रिज साफ़ नहीं किया, तो मैंने कहा आज मैं साफ कर ही लेती हूँ, जितनी देर में मेरा हेयर कलर सर पे लगा हुआ है तो उतनी देर में ये देखें। रोज़ मैं कह रही थी मैं करती हूँ साफ़, खैर पानी तो मैं इसका ड्रेन कर देती थी मगर कोई ना कोई चीज़ बच्चों से गिर जाती थी, तो चलिए मैं अब इसको करती हूँ क्लीन। माशाल्लाह से फ्रिज को मैंने कर दिया है साफ़, कुछ चीज़ें भी रख रही हूँ इसमें मैं। ये चारपाई हम लेके जा रहे हैं ऊपर, 2 चारपाई हैं जो कि मैं चाह रही हूँ कि मैं उठा के रखूँ, इसको भी ऊपर रखती हूँ और इसको भी ऊपर लेके जाती हूँ। चलो आओ दुआ। कपड़े मैंने काफ़ी देर से ये भिगोए हुए हैं, माशाल्लाह से ये भी हो गए, इनको वॉश करती हूँ। ये भी देखें माशाल्लाह से ये भी इनकी मैल शैल निकल गई होगी, और इनको मैं अब करती हूँ वॉश। माशाल्लाह से मैं बना रही हूँ कीमा, आलू बना रही हूँ मैं। मैंने कीमे का मसाला बना दिया हुआ है, इसको चढ़ा दिया हुआ है, मैंने पक रहा है ये। पहले मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है कीमे को, प्याज़ों में लहसुन अदरक नमक और धनिया के साथ अच्छे से फ्राई किया है। जब गोल्डन हो गया कीमा तो फिर मैंने इसमें मसाले दोनों डाले हैं, मिर्चें और हल्दी, फिर उसके बाद टमाटर डाल के मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के पक रहा है कीमा। मैंने आलू भी काट दिए हैं, जैसे ही मेरा कीमा पकता है उतनी देर में मैं जो है थोड़े से कपड़े धो लेती हूँ, निकाल लेती हूँ, ताकि मैं जल्दी से फारिग हो जाऊँ काम करके। काफ़ी सारे कपड़े हैं जो हाथ से मेरे धोने वाले हैं आज। कीमा आलू ऐसे ही भुना हुआ बनता है, चला ये हल्का सा पानी डाल लेंगे, मगर जाहिर सी बात है हमें तो ये पूरा नहीं पड़ेगा हमारी फैमिली को, तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल लूँगी पानी, तकरीबन आधा गिलास या पौना गिलास में पानी डालूँगी इसमें। माशाल्लाह से ये अच्छा सा फ्राई हो गया। इसको दम पे रख दूँगी मैं पानी डाल के, इसमें आलू भी गल जाएँ और थोड़ा सा पानी भी रह जाए। माशाल्लाह से मेरा कीमा आलू हो गया डन। इस पर मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है गरम मसाला, प्याज़ों में पहले ही मैंने खड़ा मसाला डाल के तो अच्छा सा रोस्ट फ्राई कर लिया था, कीमा भी उसी में, सब चीज़ें उसी में रोस्ट कर ली थी मैंने, और एंड में मैंने ये डाल लिया है अब गरम मसाला। माशाल्लाह से मेरा सालन हो गया रेडी, कीमा आलू, ढक देती हूँ इसको। माशाल्लाह से खाना बना के मैं फारिग हो गई थी, नहा लिया माशाल्लाह से, नहा के मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, शदीद थक गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी,
तो मैंने कहा चले मैं व्लॉग भी एंड करती हूँ। कपड़े जो आप मुझे देखते हैं पहने हुए, ये हनूर की सब्सक्राइबर है और उन्होंने मेरे लिए भी भेजे थे। याद होगा आपने, आपने देखा होगा महनूर को जो गिफ्ट आया था, तो वो गिफ्ट ओपन किया था। कुछ ड्रेसेस मेरे लिए हैं, कुछ महनूर के लिए हैं, तो उनमें से आज मैंने पहले ड्रेस पहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, ड्रेसेस आपने भेजे हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं और बिल्कुल मुझे परफेक्ट आए हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि कितना मैं थक गई हूँ, पैनाडोल वगैरह खाती हूँ थकावट, क्योंकि जिस समय बहुत शदीद मेरे पेन है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखना, हमें याद रखें। अल्लाह।